ओडिशा और बंगाल में चक्रवाती तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान की वजह से बंगाल और ओडिशा और उसके आसपास इलाकों में तेज हवाएं भी चल रही हैं। इन राज्यों में भारी बारिश और तेज हवा की पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात हैं। तूफान का असर बिहार और झारखंड तक दिखाई दे सकता है। ओडिशा सरकार ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि ज्यादा ध्यान तटीय बेल्ट पर है, जिसके चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना है। अनुमान है कि तूफान दानापुरी के बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। लैंडफॉल कल सुबह तक भितरकनिका और धामरा के करीब सागर द्वीप पर हो सकती है। इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यूपी बिहार से लेकर झारखंड तक चक्रवाती तूफान दाना का असर दिखाई देने की संभावना है। इस दौरान धूल भरी आंधी भी चल सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने कई इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। झारखंड में भी तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है। अनुमान है कि अगले 2 दिन इन राज्यों में कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बारिश के कारण तापमान में तेजी से बदलाव आएगा और इससे ठंड भी बढ़ सकती है। चक्रवाती तूफान दाना के कारण पटना सहित कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ कुछ जगह पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार के पूर्वी और दक्षिण मध्य भाग में जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय में तेज हवा के साथ बारिश की भी चेतावनी है। न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी हो सकती है। दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। केरल, तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में दिन के तापमान में हल्की गिरावट की शुरुआत हो गई है। अनुमान है कि इस साल उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है।